हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 128 पे जो है एनसीईआरटी में 10th साइंस रिप्रोडक्शन चैप्टर में से। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर डीएनए कॉपी होता है, यानी जो भी पेरेंट होते हैं उससे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो डीएनए है वो कॉपी होता है। ठीक है, आप सबको पता है ये डीएनए हमारा हेरिडिटरी से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स में है वो हम में ट्रांसफर होते हैं डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए कॉपिंग हैज फॉलोइंग इम्पोर्टेंस इन रिप्रोडक्शन। नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के केस में? इट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी सपोज देर इज अ पर्टिकुलर पेरेंट जनरेशन, ठीक है, पेरेंट जनरेशन से हम बात कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग की, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है ये क्या होता है, हमारा डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में होता है। इट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये क्या करता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, मतलब कि अगर एक पॉपुलेशन में ये चीज ट्रांसफर ना हो तो रिप्रोडक्शन जैसे कि इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आप देखते हैं ना कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लोगों में जा रहे हैं। ठीक है, ये डीएनए अगर कॉपी ना हो तो क्या रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये जो भी पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म विच इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। डीएनए कॉपिंग जब होता है ना, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो इसमें हमेशा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो जब दो के कैरेक्टरिस्टिक्स आके कोई चीज बनेगी तो उसके अंदर वेरिएशन आएगी पहले वाले के कंपैरिजन में, राइट। जैसे कि ये भी नहीं होगा कि सेम मदर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फादर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें दोनों के मिले हुए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। और ऐसे केस में जब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से नई स्पीसीज या जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। बिफोर आई रीड दिस क्वेश्चन और इसका आंसर पूरे अच्छे से मैं आपको पढ़ के बताऊं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बैक्टीरिया का। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया मान लीजिए, ये तो खैर अमीबा लग रहा है बट फिलहाल के लिए अभी आई सेइंग दिस बैक्टीरिया सपोज। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इसकी पूरी पॉपुलेशन है। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हुए जिससे वो सर्वाइव कर सके, तो केवल इस बैक्टीरिया के बचने से कोई फायदा नहीं है। मतलब इसके अंदर वेरिएशन हुआ, जैसे कि सपोज ये बहुत हॉट या बहुत कोल्ड क्लाइमेट सह पा रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको पूरी पॉपुलेशन को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज आप देखो किस केस में, सपोज हम बात कर रहे हैं कि पूरी एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर ये हॉट एंड कोल्ड से बचने के लिए कुछ एडेप्टेशन आई है, वेरिएशन आई है, तो ये पूरी पॉपुलेशन एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को हैंडल कर लेगी एंड वेरिएशन सर्वाइव कर लेगी। सो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन जरूरी है एडेप्टेशन के लिए एंड सर्वाइवल के लिए, किसकी, स्पीसीज की। और किसी भी डैमेज के टाइम पे इकोलॉजिकल कंडीशन जो होती है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सपोज जैसे हम बात करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बिग, मतलब जैसे कहते हैं जब प्लैनेट्स पूरे इधर बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग या नॉर्मली हम कभी भी मान के चले, एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे बट सब खत्म हो गए। ठीक है, तो मेटेराइड्स वगैरह गिरे, जो भी रीज़न, हम लोग बहुत सारी थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ऐसे में जो डायनासोर्स थे उनकी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ सेम चीज़ है कि अगर ऐसे एडवर्स कंडीशन आती है तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट हो सकती है, उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर सकते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं टू डेवलप पॉपुलेशन। वो इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो डेवलप कर सके पॉपुलेशन को जो कि अडाप्टेड है या सूटेड है टू द वेरिड कंडीशन। मतलब सपोज अगर कोई एक क्लाइमेट है जो मॉडरेट क्लाइमेट में रह सकता है एकदम मीडियम में, लेकिन बहुत ठंडा हो गया तब भी सर्वाइव कर पा रहा है, बहुत हॉट हो गया तब भी सर्वाइव कर पा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये किसी न किसी एक्सट्रीम कंडीशन में वेरिएशन में सर्वाइव कर पा रही है। तो अगर ऐसा केस हुआ तो वो पॉपुलेशन उस चीज़ को पूरा झेल पाएगी एंड आगे फाइनली सेव होके रहेगी। एक इंडिविजुअल के वेरिएशन दिखाने से, कुछ भी अलग दिखाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इफ देयर इज सर्टेन वेरिएशन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, वो पूरी पॉपुलेशन को हेल्प नहीं करेगा एंड केवल इंडिविजुअल को हेल्प करेगा।
तो वेरिएशन बेनिफिशियल है स्पीसीज के लिए, बट एक इंडिविजुअल के लिए इट इज नॉट बेनिफिशियल. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो. सो दिस वॉज इट, ये था पेज नंबर 128 के सारे इंटेक्स क्वेश्चन. आप लोग 10th की साइंस की प्लेलिस्ट, 10th की फिजिक्स प्लेलिस्ट, 10th की ज्योग्राफी सॉरी 10th की बायोलॉजी प्लेलिस्ट एंड ऑब्वियसली ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट आप सारी चेक कर सकते हैं. एंड 10th साइंस क्वेश्चन आंसर्स में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इंटेक्स एक्सरसाइज या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.